आज की वीडियो में एकदम अलग आरसी एनिमल्स में खरीद के लेके आ चुका हूँ। आज कराएंगे इनके बीच में फाइट। यहाँ पर देखो मेरे पास है स्पिनासोरस आरसी डायनासोर, इसके अंदर सिमुलेशन वॉकिंग भी दी गई है। ये मेरे पास पहले से ही था, इसका नाम है वेलोसिराप्टर डायनासोर। आज मैं इन दोनों की फाइट कराने वाला हूँ रोबोटिक डायनासोर के साथ, रोबोटिक एलिफेंट के साथ और रोबोटिक डॉग के साथ। तो चलो गाइस फटाफट से करते हैं इन सभी की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन जीतता है। लेट्स स्टार्ट। अगर आप स्पिनोसोरस या फिर वेलोसिराप्टर को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है, वहां पर इसके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। चलो गाइस फटाफट से ये वाले बॉक्स को ही मैं अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो। मेरे को लगा था कि ये कलर का स्पिनोसोरस मेरे को मिलेगा, पर इसके अंदर देखो ब्लैक कलर का स्पिनोसोरस मिला है और इसका साइज भी मेरे को थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। फटाफट से निकाल के दिखा देता हूँ। ये है इसका रिमोट कंट्रोल, वेलोसिराप्टर के अंदर भी बिल्कुल सेम इसी तरह का रिमोट मिलता है। ये दो बटन यहाँ पे दिए, यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है और इसके अंदर कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर मिलती है ये छुटकू सी बैटरी, ये है लायन बैटरी 3.7 वोल्ट 500 mAh। तो बॉक्स को इन लोगों ने छोटा क्यों बनाया है अब मेरे को समझ में आ गया। ये जो स्पिनोसोरस है पूरा का पूरा अलग अलग पार्ट्स में आ जाता है। सामने के लेग्स हम लोगों को खुद से अटैच करने पड़ते हैं। फटाफट से इसको मैं अटैच करके बता देता हूँ। इसकी पूंछ को जस्ट यहाँ पर रखना है और ट्विस्ट कर देना है। देखो पूंछ अभी बहुत आराम से यहाँ पे जुड़ चुकी है। अभी इसके सामने के लेग्स को भी जोड़ देते हैं। एक्चुअल में ये इस तरफ का है, यहाँ पर इसको लगाकर जस्ट प्रेस करेंगे। और इसकी ये जो स्किन है ना यार, ये मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खुरदरी सी बनाई गई है। ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा अलग डिजाइन मेरे को लग रहा है। वेलोसिराप्टर के अंदर ये ऊपर का जो पार्ट है देखने को नहीं मिलता। इसका माउथ देख लेते हैं। अच्छा ये मूवेबल है, देख सकते हो बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल यहाँ से दिया गया है। इसके टीथ के अंदर भी शायद लाइट्स वगैरह दी गई है, रेड कलर के टीथ इसके अंदर बहुत ज्यादा भयंकर दिखाई दे रहे हैं। अभी फटाफट से वेलोसिराप्टर को भी अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यार इसकी सिर्फ पूंछ निकली हुई आती है, इसको जस्ट हम लोगों को जोड़ना पड़ता है, इस वजह से इतना बड़ा बॉक्स इसके अंदर दिया गया है। एक्चुअल में इसका साइज भी जो है मेरे को स्पिनोसोरस के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। फटाफट से इसकी पूंछ जोड़ देता हूं मैं। इसके भी ऊपर देखो यार बहुत ज्यादा खुरदुरी सी स्किन दी गई है। इसके अंदर एक चीज मेरे को अलग लगी गाइस, देखो यहां से ये इस तरह से टर्न हो सकता है। इसका भी जो माउथ है बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है। दोनों को मैं साइड बाय साइड रख के आपको कंपेयर भी करके बता देता हूं। ये वेलोसिराप्टर इसके मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा मेरे को लग रहा है और दोनों ही बहुत ज्यादा रियल डायनासोर जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, ये रिमोट काफी अच्छी क्वालिटी का मेरे को लग रहा है। यहाँ पर दो अलग अलग सेपरेट बटन्स दिए गए हैं। स्पिनोसोरस के अंदर एक ही बटन यहाँ पे दिया गया है, इसके अंदर ये भी बटन है, ये भी बटन है। वेलोसिराप्टर के अंदर एक चीज मेरे को खराब लगती है कि बैटरी को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल सकते हो। आज स्पिनोसोरस के साथ फाइट कराने के लिए ये रोबोटिक डायनासोर भी मैंने खरीदा है। फटाफट से इसको भी अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने सिर्फ 1500 रुपीज में खरीदा था गाइस, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। ये दिखने में रियल नहीं दिखाई देता है गाइस क्योंकि इसको पूरी तरीके से रोबोट जैसा बनाया गया। यहाँ पर इसका माउथ है पर ये बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है, पर इसके टीथ देखो बहुत ज्यादा शार्प दिए गए। यहाँ पर इसके व्हील्स है, व्हील्स के अंदर बहुत सारी लाइट्स वगैरह भी दी गई है। ये कंप्लीटली 4 व्हील ड्राइव है, इसके अंदर भी 3.7 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच दिया गया। ये डायनासोर मेरे को मल्टी फंक्शन लग रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बटन दिए गए, ऊपर की तरफ ट्रिगर्स भी है और ये प्रॉपर तरीके से बटन काम भी कर रहे हैं। अभी अनबॉक्स करते हैं रोबोटिक स्टंट डॉग को। मेरे पास इस तरह के दो डॉग्स है, एक व्हाइट कलर का है एक रेड कलर का है। आज मैं स्पिनोसोरस के साथ फाइट कराऊंगा। इस फटाफट इसको भी अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देता हूं। आप लोगों को पता ही होगा ये जो डॉग है बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर भी देखो मैग्नम यूनिवर्सल व्हील्स लगाए गए और ये 4 व्हील ड्राइव है। सामने यहां पर इसके आईज है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये लाइट ब्लिंक भी करने लगते हैं और बहुत अच्छी एलईडी लाइट्स इसके अंदर दी गई है। यहां पे इसकी नोज है, यहां पे इसका माउथ है, पर इसका माउथ देखो यार ओपन नहीं होता है। ये इसके इयर्स है। बॉडी इसकी बहुत ज्यादा टफ प्लास्टिक की बनाई गई है। यहां पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। व्हील्स के ऊपर रबर की कोटिंग भी दी गई है। इसकी पूंछ भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल दी गई है। अब इसका रिमोट भी दिखा देता हूं। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरे को इसका रिमोट ही लगता है। दिखने में एक गेम पैड के रिमोट जैसा ही बनाया गया है। अभी दिखा देता हूँ इसकी बैटरी। ये 7.4 वोल्ट लाइपो बैटरी। मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ प्रोग्रामेबल इंटेलिजेंट रोबोटिक एलिफेंट को। ये 3500 रुपीज में खरीदा था। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। एक्चुअल में ये एक रोबोटिक मशीन है। व्हील्स के सपोर्ट से ही ये एलिफेंट चलने लगती है। साइज इसके बहुत ज्यादा क्यूट है यार। इसको भी हम लोग मूव करा सकते हैं रिमोट के अंदर एक बटन दबाने से। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, दिखने में एक टीवी के रिमोट जैसा ही बनाया गया। इस तरह के रिंग्स भी मिल जाते हैं गेम वगैरह खेलने के लिए। ये है इसकी बैटरी। चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, कराते हैं इन पांचों के बीच में फाइट, देखते हैं आज कौन जीतता है। लेट्स गो एंड फाइट।
अभी आरसी एनिमल्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। इन सब में से स्पाइनोसॉरस सबसे ज्यादा डेंजरस मेरे को लग रहा है, तो पहले इसको ही टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड भी चल रहा है, पीछे भी आ रहा है, पर दिक्कत एक है गाइस, ये टर्न नहीं हो पा रहा है। टर्न कराने के लिए पहले इसको रिवर्स लेना पड़ता है, फिर फॉरवर्ड करेंगे तो ये टर्न होता है। ये एक दिक्कत लगी मेरे को स्पाइनोसॉरस के अंदर। अभी टेस्ट करते हैं वेलोसिराप्टर को। इसकी कंट्रोलिंग सच बताऊं तो मेरे को स्पाइनोसॉरस से बहुत ज्यादा बेटर लगी, क्योंकि इसके अंदर फोर वे कंट्रोल दिया गया है। पूंछ मुड़ाता है, उसके बाद अपनी बॉडी को टर्न करने लगता है। ये चीज इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा कमाल की लगी। अभी टेस्ट करते हैं रोबोटिक डायनासोर को। इसको ऑन करते ही देखो यार, ये इस तरह से घुर्राने लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को ही डरा रहा है। फटाफट से इसको चला के देख लेते हैं। इसके अंदर व्हील्स लगे होने के कारण इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी बहुत इजीली ये चल रहा है। अभी टेस्ट करते हैं रोबोटिक एलिफेंट को। ये एलिफेंट सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स में चल सकता है, और चलते समय जंप करके चलने लगता है। रिमोट के अंदर जस्ट एक बटन दबाने से इसकी ट्रंक को हम लोग पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा मैकेनिज्म दिया गया है। यहाँ पर एक बटन दबाने से ये इस तरह से हैंड स्टैंड भी करने लगता है। ये स्टंट मेरे को इसका बहुत ज्यादा कमाल का लगा। रोबोटिक एलिफेंट के अंदर एक कमाल की चीज मेरे को लगती है, वो है इसकी गेम। ये बटन दबा दिया मैंने, अभी देखो गाइस ये बैठ जाएगा और अपनी ट्रंक को ऊपर करने लगेगा। अभी ये रिंग्स हम लोगों को इसकी ट्रंक में डालने पड़ते हैं। 3 रिंग्स अगर हम इसके ट्रंक में डाल देंगे तो हम ही यहां पर जीत जाएंगे। अभी ये रोबोटिक डॉग को टच करके देखते हैं। इसको चलाना बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि रिमोट के अंदर सिर्फ 2 जॉयस्टिक देखने को मिलते हैं। इसी से ही देखो यार, ये 360 डिग्री भी घूम जाता है, वर्टिकल भी चलता है, हॉरिजॉन्टल भी चलता है। अभी रेस कराते हैं इन दोनों के बीच में, देखेंगे रोबोटिक एलिफेंट जीती है या फिर स्पाइनोसॉरस जीत पाता है। दोनों के बीच में यहाँ पे कांटे का मुकाबला चल रहा है। उतने में ही देखो यार, एलिफेंट ने चीटिंग करके स्पाइनोसॉरस को नीचे गिरा दिया है। फिर स्पाइनोसॉरस अपने आप को सीधा करके रेस में वापस आ चुका है, और इसकी स्पीड देखो यार एलिफेंट से भी मेरे को ज्यादा लग रही है, और इसने क्रॉस कर दिया है एलिफेंट को। क्लियरली आप देख सकते हो स्पाइनोसॉरस नीचे गिरने के बाद में भी इसने रेस में वापसी की है, और ये जीत चुका है यहाँ पर। अभी रेस कराते हैं वेलोसिराप्टर और स्पाइनोसॉरस के बीच में, देखते हैं जिन दोनों में से कौन सा डायनासोर जीत पाता है। यहाँ पर वेलोसिराप्टर के लेग्स बहुत बड़े होने के कारण देखो ये बहुत बड़े बड़े स्टेप्स डालकर आगे निकल गया है, और क्लियरली यहाँ पर विनर है वेलोसिराप्टर। अभी देखते हैं वेलोसिराप्टर रोबोटिक डायनासोर को भी हरा पाता है, यानी रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। रोबोटिक डायनासोर के अंदर व्हील्स लगे होने के कारण सच में यार ये इससे 2 गुना ज्यादा स्पीड है। देखो गाइस इसने तो एक चक्कर लगा दिया, क्लियरली यहाँ पर रोबोटिक डायनासोर है विनर। अभी रेस कराते हैं रोबोटिक डॉग और डायनासोर के बीच में, देखते हैं जिन दोनों में से कौन जीता है। दोनों के बीच में धक्का मुक्की हो रही है आगे जाने के लिए। यहाँ पर रोबोटिक डायनासोर आगे निकल गया है, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है, इसने रोबोटिक डॉग को रेस में हरा के रख दिया है। क्लियरली आप देख सकते हो रोबोटिक डायनासोर रोबोटिक डॉग के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्पीड से 360 डिग्री घूम सकता है। अभी आमने सामने वाली फाइट कराते हैं इन दोनों डायनासोर के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। स्पाइनोसॉरस ने वेलोसिराप्टर को नीचे पटक के रख दिया है, और इसके सामने के पैर बहुत जोर से काटे जा रहा है। मेरे को लग रहा था कि वेलोसिराप्टर उठ खड़ा हो जाएगा, पर यहाँ पर वेलोसिराप्टर का काम तमाम हो गया गाइस। अभी देखते हैं ये स्पाइनोसॉरस रोबोटिक एलिफेंट को भी हरा पाता है, यानी रोबोटिक एलिफेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर स्पाइनोसॉरस ने देखो इसके सामने के लेग को पकड़ लिया है, और इसको ये बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा है। यहाँ पर एलिफेंट इसके ऊपर बार बार अटैक करने की भी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एलिफेंट ने अपने ट्रंक से देखो यार इसको पकड़ने की पूरी कोशिश की, पर इसके स्पाइक्स इसको चुभ रहे हैं। यहाँ पे स्पाइनोसॉरस धीरे धीरे करके एलिफेंट को पीछे ढकल रहा है, और फाइनली स्पाइनोसॉरस ने नीचे गिरा के रख दिया है रोबोटिक एलिफेंट को। मेरे को लग रहा है कि इसके स्पाइक्स इसको चुभ चुके हैं पूरी तरीके से। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होगी रोबोटिक डायनासोर और स्पाइनोसॉरस के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। रोबोटिक डायनासोर देखो यार पूरी तरीके से व्हीली मारकर नीचे गिरा दिया था स्पाइनोसॉरस को, पर स्पाइनोसॉरस भी नीचे पटक के रख दिया है रोबोटिक डायनासोर को। आमने सामने वाली फाइट में तो दोनों के बीच में टाई हो चुका था, अभी दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है रोबोटिक डायनासोर बहुत ज्यादा पावरफुल है, देखो गाइस ये तो इसको घसीट के लेके जा रहा है। क्लियरली यहाँ पर रोबोटिक डायनासोर जीत चुका है। अभी रोबोटिक डॉग और रोबोटिक डायनासोर के बीच में टग ऑफ वॉर करा के देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस, ये रोबोटिक डायनासोर ने रोबोटिक डॉग को भी हरा के रख दिया है। इतनी जल्दी हरा देगा रोबोटिक डॉग को मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्लियरली यहाँ पर रोबोटिक डायनासोर सबसे ज्यादा पावरफुल है। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शॉर्ट आउट। पहला नाम है नैतिक, मुदस्सिर, भास्कर, प्रथम, कमल, प्रभु, विजय दास, समीर, सुरेश, जावेद। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।